Hey guys, welcome back to my channel and आज मैं review करने वाली हूँ ये lovely product जो कि है Lotus Ecostay Insta-Blend 5-in-1 Creme Compact with SPF of 20. Guys, I just love this product and today I am wearing this as a base on my face and you can see how lovely finish it has given to my face. It's looking so glowy, dewy and it's just amazing. एंड अगर आप इसके बारे में इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज मैंने जो है इसमें डेमो भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में और साथ ही साथ सारे छोटे छोटे स्पेसिफिकेशंस जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और गाइज अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हाई आई एम श्वेता और मैं वीडियोज पोस्ट करती हूँ रिलेटेड टू मेकअप लाइफ स्टाइल फैशन सम रिव्यूज़ some hauls, some lookbooks and a lot of fun stuff. So if you're interested to know any of these, please do subscribe to my channel and for that click that subscribe button and also the bell icon next to the subscribe button to never miss a future upload from me. And now let's just get started with the video. Guys, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता दूं कि जो इसकी packaging है इसका कोई outer cover नहीं आता है. अगर आप इसे online purchase करोगे तो आप बहुत सावधानी से और कुछ जो वेल नोन वेबसाइट्स हैं उन्हीं से ऑर्डर करें बिकॉज इसमें कोई भी आउटर बॉक्स में नहीं आता है ये प्रोडक्ट, विच आई थिंक इज़ अ बमर वाइल परचेजिंग दिस. बट अदरवाइज और सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी. बट इसमें क्या है, आउटर पैकेजिंग जो है कुछ भी नहीं आता है इसके साथ, ये सिर्फ ऐसे ही आता है. हालांकि बबल रैप मिलेगा आपको ऑर्डर में. मैंने परचेज किया नायका से तो मुझे बबल रैप में मिला था, इसकी कंडीशन ठीक थी. सबसे पहली बात, इसकी पैकेजिंग काफ़ी स्टाइलिश है. ये इसका बेस है. बेस में क्या है, ये होल्स हैं इसमें जो है, ये डिज़ाइन नहीं है खाली, इसमें होल्स हैं इस तरह का. और इसमें जो है पीछे डिटेल्स दिए हुए हैं आपको सब तरह के. इसमें लिखा हुआ इसका नेम, इसका जो कलर है, मेरा कलर, मेरा जो शेड है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है रॉयल आइवरी. और इसके बाद इसका जो है प्राइस लिखा हुआ है, इसका जो है एक्सपायरी डेट भी मेंशनड है. इसका जो कॉस्ट है ये है 725 रुपीज़ का. गाइस आई नो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आई चैलेंज यू कि ये जो है ये आपके कॉम्पैक्ट और फाउंडेशन और कंसीलर सबका, ऑलमोस्ट सबका जो है काम अच्छे से जो है जस्टिफाई करेगा बिकॉज मैंने इसे यूज़ किया है. आज मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ किया है, कोई कंसीलर कॉम्पैक्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया मैंने एंड आई एम जस्ट लविंग इट. सो मैंने पीछे की जो बात कर ली है और साथ में इसमें भी लिखा है कि ये रिसाइकलेबल है और ये है क्रुएल्टी फ्री. ये सब चीज़ें थी पीछे मैंशन. अब मैं बात करती हूँ फ्रंट से. फ्रंट में आपको ऐसे लोटस लिखा हुआ आता है, लोटस मेकअप, और ये ट्रांसपेरेंट है. तो इसके बाद जो है इस तरह का, यहाँ पर से आप इसको ऐसे ओपन करते हैं और ये हम आपका प्रोडक्ट आता है यहाँ पर. इसके नीचे जो है इसे आप यहाँ से आराम से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिरर दिखेगा और साथ में जो है आपको एक मिलता है इसके साथ पफ जिसको आप यूज़ कर सकते हो. मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ. और साथ में ये जो मैं आपको दिखा दूँ, ये होल है तो इसको आप यहाँ पर रखते हो अपने पफ को इसके अंदर, फिर आप बंद करते हो अपने मिरर को जिसके ऊपर आपका कॉम्पैक्ट भी है एंड देन यू जस्ट क्लोज इट. तो ये थी इसकी पैकेजिंग. गाइस अब मैं बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट की जो है लोटस हर्बल जो है क्या चीज़ क्लेम करता है इस प्रोडक्ट के साथ. वो क्लेम करता है कि ये फाइव जो आपकी चीज़ें होती है लाइक प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, कॉम्पैक्ट एंड ऑल्सो अ सनस्क्रीन, ये पाँचों चीज़ें जो है ये प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट काफ़ी है ऐसा ही क्लेम करता है. तो अब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी इसकी स्मेल के बारे में. इसकी बहुत ही लाइट स्मेल है और मैंने पहले लोटस के जो प्रोडक्ट्स हैं यूज़ नहीं किए हैं तो मुझे नहीं पता कि इसकी टिपिकल लोटस वाली, लोटस के प्रोडक्ट की स्मेल है या नहीं. बट इसकी स्मेल काफ़ी लाइट है और अच्छी है, बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो आपको मतलब इरिटेट कर सकती है. बहुत ही माइल्ड स्मेल है. और अब हम बात करते हैं इसके टेक्सचर की. गाइस ये बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है और थिक टेक्सचर है. बेसिकली जैसा होता है, जैसे फाउंडेशन जो है हमारे बहुत लिक्विड ही होते हैं, ऐसे नहीं है, ये समवेयर इन बिटवीन है. और इसका जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ये परफेक्ट शेड है मेरे लिए. मैंने रॉयल आइवरी शेड लिया है और मेरी फेस पे जो है, मेरी स्किन टोन पर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है और ये काफ़ी अच्छा सूट कर रहा है मुझे. और ये देखो बिल्कुल ब्लेंड हो चुका है, ये दिख भी नहीं रहा है मेरे हैंड्स पे भी. बहुत ही क्रीमी है. और जो है अब मैं बात करती हूँ कि जो पांच चीज़ें क्लेम करता है क्या ये जस्टिफाइड है या नहीं.
और मैं आपको पहले डिटेल्स दूंगी, उसके बाद मैं आपको डेमो दिखाऊंगी ताकि आप खुद जज कर सको कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है कितना नहीं। तो सबसे पहले जो है ये कहता है एज अ प्राइमर इसको आप यूज़ कर सकते हो। मैंने कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया है गाइज, और आप देख सकते हो मेरे कोई पोर्स या कुछ ब्लैकहेड्स वगैरह ज़्यादा विजिबल नहीं है, काफ़ी इसने जो है उनको मिनिमाइज कर दिया है इसने। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइमिंग योर फेस। हालांकि आप ऑफकोर्स जैसे प्राइमर यूज़ करते हो ये वैसे आप यूज़ नहीं करोगे, इसको आप एक साथ ही यूज़ करते हो, बट मुझे लग रहा है कि इसने जस्टिफाइड किया है इस चीज़ को कि फाइन लाइन्स वगैरह कुछ नहीं दिखेंगी, बिकॉज मेरे ज़्यादा इशू नहीं है पोर्स का, बट थोड़ा सा यहाँ पर जो है इशू है और ये उसने काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड किया है, सो आई एम हैप्पी विद दिस। सेकेंड चीज़ ये कहता है एज अ फाउंडेशन, फाउंडेशन की तरह मैंने इसे यूज़ किया है गाइज। उसकी मैं जो है टेक्स्चर की बात करूँ तो एक बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन जब मैं जैसे ही मैंने इसे फेस पे लगाया है बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट जो है इसका टेक्स्चर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज जो हमारे फाउंडेशंस होते हैं ना ब्लेंड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये बहुत ही आसानी से ब्लेंड हो गया था, तो फाउंडेशन के टर्म्स में भी ये जो है जस्टिफाइड है। थर्ड चीज़ है कंसीलर, गाइस कंसीलर के टर्म्स में जो है मैं इसे उतना अच्छे 5 में से 4 मार्क्स दूंगी, बिकॉज जो है मेरे यहाँ पर आप देख सकते हो ये डार्क स्पॉट था इसने, मैंने इसे काफ़ी बार लेयर करने की कोशिश की है 3 से 4 बार भी, बट ये फिर भी हाइड नहीं हुआ है। हालांकि मेरे यहाँ पर एक डार्क स्पॉट था उसको इसने हाइड कर दिया अच्छे से, तो ये जो है मीडियम टू फुल कवरेज है। और लेकिन अगर आपको कुछ बहुत ही बड़ा मार्क या कोई डार्क स्पॉट बहुत ही डार्क और पिगमेंटेड है तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगी कि उसे हाइड कर लेगा, बट डेफिनेटली जो छोटे मोटे रेडनेस है या आपके डार्क स्पॉट्स हैं उसको अच्छे से हाइड कर लेगा, और इसकी जो कवरेज है वो बिल्डेबल है विच इज़ अ गुड थिंग। बट अगर बहुत ही ज़्यादा डार्क और पिगमेंटेड आपका कोई स्पॉट है तो मुझे नहीं लगता है उसको हाइड करेगा। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जो है मेकअप यूज़ करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज ये ज़्यादा हैवी भी नहीं लग रहा और आई एम जस्ट लविंग द फिनिश, बिकॉज मेरी स्किन कॉम्बिनेशन स्किन है और स्टिल मुझे ये ना तो ग्रीसी लग रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राइंग लग रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, और ऐसे बहुत ही कम फाउंडेशन में मुझे मिलता है। फोर्थ पॉइंट जो है ये कहता है कि इट वर्क्स एज अ कॉम्पैक्ट, और कॉम्पैक्ट के टर्म्स में मैं मानती हूँ कॉम्पैक्ट जो है आपको हम यूज़ करते हैं ताकि आपके फेस को जो है वो मैटिफाइड लुक दे और जो है आपके मेकअप को बेसिकली होल्ड करे ज़्यादा देर तक, और उस टर्म्स में मैं कहूँगी कि ये डूइंग द जस्टिस, बिकॉज मेरा फेस बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं लग रहा है एंड एट द सेम टाइम बहुत ही जो है ये लाइट वेट है बेसिकली फॉर्मूला, और मेरा फेस बिल्कुल भी ना तो ऑयली लग रहा है ना ही ग्रीसी लग रहा है, बहुत ही राइट अमाउंट ऑफ नेचुरल ग्लो दिया है मुझे इसने। सो मुझे लगता है कि ये जो है ऑयली स्किन पीपल भी जो है इसे यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, और जब मैं इसे लगा रही थी तो बहुत ही नाइसली ब्लेंड हो रहा था, बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ा, आप मेरी वीडियो में भी डेमो में देखोगे, और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है, और मुझे इस वक्त फील भी नहीं हो रहा है कि मैंने फेस पर कुछ लगाया हुआ है। गाइज लास्ट पॉइंट जो ये क्लेम करता है प्रोडक्ट वो है दैट इट इज़ सब्स्टिट्यूट फॉर योर सनस्क्रीन। तो गाइज ये क्लेम करता है कि इसके पास जो है ये SPF of 20 है, विच आई थिंक इज डिसेंट, ये काफ़ी अच्छा SPF अमाउंट है इस तरह के प्रोडक्ट में जो है SPF of 20 आई थिंक विच इज़ अ गुड थिंग। सो गाइज अब मैं जो है अपना डेमो इंक्लूड करूँगी जो कि आपको मैं दिखाऊँगी कि किस तरह की कवरेज जो है, किस तरह की फिनिश और किस तरह का लगेगा मेरे फेस पर, वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है, तो आप उसे ज़रूर देखें।
So guys, this is it, and this was my review on this product, and I just love it, and I will be giving 4 stars out of 5 to this product. 1 marks main isliye deduct kar rahi hu because isme full coverage nahi hai. So otherwise, all in all, main bahut pasand aaya hai mujhe ye product, and I will be using this a lot.